नमस्कार दोस्तों, इंडिया साइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये खास वीडियो बना रहे हैं, एक छोटा सा, जहां पर रिसेंटली जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसी के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें भी खासकर एक कुछ खास तबके के लोगों के द्वारा ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और साथ ही में दूसरे एक ऐसे भी तबके के लोग हैं, एक ऐसा भी ग्रुप है जो ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में से जो हिंदू हैं वो सब शांति से बैठे हुए हैं अपने घरों में, वे लोग कुछ कर नहीं रहे हैं एंड दे आर नॉट रेजिंग देयर वॉइसेस, और भारत की सरकार भी कुछ नहीं कर रही है इस पे, और इस प्रकार के नैरेटिव चला रहे हैं। अब ये कुछ हमारे जैसे ही लोग हैं जो यूट्यूब पर हिंदुओं के हितों की बात करते हैं, भारत के हितों की बात करते हैं, जो राष्ट्रवादी एंड वी रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। जो दूसरी तरफ के लोग हैं, वी आर फाइन व्हाट एवर दे वांट टू डू, वी डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन जो इस तरफ के लोग हैं जो सेंट्रिस्ट हैं या फिर जो ये मानते हैं कि भाई हिंदू हितों के ऊपर बात होनी चाहिए, हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए और जो राष्ट्र से जुड़ी हुई चीजें हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए, तो ऐसे लोगों को हम लोग रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं, हम लोग देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं, उनके जो पर्सपेक्टिव है उससे अगर अग्री करते हैं तो उसको भी हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करके उनके पर्सपेक्टिव को ऐड करने की कोशिश भी करते हैं और आपके समक्ष उसको रखते हैं। लेकिन रिसेंटली ये एक नैरेटिव चल रहा है इसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के द्वारा जो चलाया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ दुनिया में से कोई भी हिंदू आवाज नहीं उठा रहा है, भारत में से बहुत कम लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, और बाकी जो खास करके एनआरआईस है वे लोग जरा भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। उन लोगों के लिए एक सबसे सिंपल चीज कहेंगे, प्लीज गो आउट एंड स्मेल द कॉफी, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू गो आउट ड्यू टू सम और द अदर रीजन, और इफ यू डोंट वांट टू गो आउट, मोबाइल ओपन कीजिए, ट्विटर ओपन कीजिए, और ट्विटर के ऊपर इंडिया स्ट्राइक्स का जो अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है, उसके ऊपर आपको फॉलो कीजिए। ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जो हम लोग रेगुलर बेसिस पर शेयर कर रहे हैं, जहां पर सिर्फ बांग्लादेश में से ही नहीं लेकिन भारत में से भी कुछ हिंदू बाहर निकल कर आए हैं, रास्ते पर उन लोगों ने रैलीज की हैं, सिर्फ पुरुष ही नहीं, बच्चे ही नहीं, महिलाएं भी बाहर रास्ते पर आई हैं और उन लोगों ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। साथ ही में यूके में से, यूएसए में से और अन्य कुछ बाहर के देशों में जो भी हिंदू रह रहे हैं, और साथ ही में कुछ यूरोपियन कंट्रीज में से भी कुछ ऐसे लोग जो हिंदू नहीं भी हैं, जो एथियस्ट हैं, लेकिन उन सब गेम को जो जानते हैं, जो जेनोसाइड के खिलाफ हैं, उग्रवाद के खिलाफ हैं, ऐसे कई सारे लोग पूरी दुनिया में से निकल कर बाहर आ रहे हैं। रिसेंटली आज के दिन में हमने एक वीडियो शेयर किया था जो ह्यूस्टन टेक्सास से था, जहां पर कई सारे हिंदू बाहर निकल कर आए और उन लोगों ने ये बैनर्स लेके वो खड़े थे, टू सेव हिंदूज ऑफ बांग्लादेश एंड प्रोटेक्ट दोज हिंदूज। साथ ही में यूके में से भी ऐसे वीडियोस निकल कर आए जिसको हमने अपने ट्विटर हैंडल पे और साथ ही में अपने जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर भी शेयर किया था। तो अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, इफ यू डू नॉट हैव दोज सोर्सेस, प्लीज ज्वाइन अस ऑन आवर व्हाट्सएप चैनल, प्लीज फॉलो अस ऑन आवर ट्विटर अकाउंट, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोज विजुअल्स मिल सके। तो ऐसे सभी जो लोग हैं इस पर्टिकुलर खास ग्रुप के जो लोग वो हिंदू हितों की बात करते हैं, वो राष्ट्रवादी हैं, और उसमें हमें कोई भी संदेह नहीं, उनकी भावनाओं को लेकर, उनकी बातों को लेकर, ज्यादातर बातों को लेकर, उनके पर्सपेक्टिव्स, इनके जो इमोशंस हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनको लेकर हमें कोई भी एतराज नहीं है, हमें कोई भी गिला शिकवा नहीं। लेकिन जब बात आती है हिंदू कंसोलिडेशन की और जिस प्रकार से वो हाल में हो रहा, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं बल्कि भारत में ऑनलाइन और साथ ही में ऑफलाइन दुनिया में कई सारे देशों में, उसके चलते ये बात कहना कि हिंदू कहीं पर भी निकल कर नहीं आ रहे हैं और वो अपना जो समय है वो नहीं दे रहे हैं, जो धर्म है वो नहीं निभा रहे हैं, तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत है। इट इज प्रोबेबली लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, उन लोगों को शायद वो वीडियोज नहीं मिले हैं, शायद वो इन्फॉर्मेशन उन लोग तक नहीं पहुंची है। तो उन लोगों के लिए और उनके जो भी इन्फ्लुएंस में आकर जो लोग ये पूरा नैरेटिव आगे बढ़ा रहे हैं, एक तबके के लोग हैं ही तो इस प्रकार के नैरेटिव्स को पुश करेंगे ताकि हिंदुओं को वीक प्रूव किया जा सके, कंसोलिडेटेड नहीं है ऐसा प्रूव किया जा सके, अकेले हैं ऐसा प्रूव किया जा सके। तो वो एक तबके के लोग हैं, एक इकोसिस्टम है पूरा जो उसके लिए सालों से, दशकों से, काफी लंबे समय से लगा हुआ है। लेकिन ये जो एक ग्रुप है वो
ये एक मानसिकता वाले लोग हैं, वो असल में हिंदू हितों की बात कर रहे हैं, तो असल में राष्ट्रवाद उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर कई सारे लोग जो उसी बात को प्रोपेगेट कर रहे हैं, वो ये पर्टिकुलर वीडियो उन लोगों के लिए कुछ विजुअल्स हैं जो इस स्पीच के बाद हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दुनिया से अलग अलग जगहों से आए हैं, उनमें जहां से भी हमने वो वीडियोस लिए हैं वो भी हम लोग क्रेडिट में डाल देंगे, तो वो भी आप लोग देख पाएंगे और साथ ही में उन जगहों पर जाकर ऐसे अकाउंट को फॉलो भी कर पाएंगे। हिंदू सोया हुआ नहीं है, 100 करोड़ हिंदू में से मान सकते हैं कि 50 करोड़ या फिर 60 करोड़ हिंदू ऐसे हो सकते हैं, लेकिन बाकी के 40 करोड़ हिंदू धीरे धीरे करके अपनी आवाज उठा रहे हैं, जहां पर भी जिस तरह से भी पॉसिबल हो अपना सपोर्ट दे रहे हैं, अपनी सहायताएं कर रहे हैं। तो उन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से साधुवाद करते हैं, और साथ ही में एक खास मुहिम छेड़ी है हमने हमारे ट्विटर और हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू। हम लोग 10 करोड़ हिंदुओं को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए आप सभी को, सभी हिंदुओं को जो खास करके राष्ट्रवादी है और हिंदू हितों की बात करते हैं और हिंदू हितों के लिए काम करते हैं, उन सभी को हम इनवाइट करते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, हमारे ट्विटर अकाउंट से जुड़े। और अगर आपके पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी चीज है, कोई भी ओपिनियन है जो आप देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, साथ ही में डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि हिंदू एकजुट हो रहा है, साथ में आ रहा है, चाहे वो भारत में, बांग्लादेश में या फिर पूरी दुनिया में कहीं भी। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है जिसके लिए उन सभी हिंदुओं के ऊपर हमको गर्व है, उन सभी का हम दिल से साधुवाद। देखिए वो विजुअल्स जो पूरी दुनिया से अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, जहां पर अलग अलग जगहों हिंदू रास्ते पर उतरे हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो अटैक्स हो रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा।